हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों वीडियो क्लियर है तो लाइव शुरू करते हैं हेलो रवि शिल्के हेलो क्रिकेट प्रिडिक्शन डेली आवाज और वीडियो क्लियर है कि आवाज भी स्लो तो नहीं है कहीं क्योंकि आवाज कई बार स्लो होती है माइक में आजकल यूज नहीं कर रहा हूं क्यों कमरे में इतनी शांति रहती है आवाज कम आ रही है लगाना पड़ेगा या हो सकता है मैं बोली धीरे रहूं अब सही आएगी उमेश बंसल जी कह रहे कि मैंने एक साइट पे 18000 हजार जीता विड्रॉल के लिए रुपीस पांच सौ डिपॉजिट मांग रहे हैं चाहिए या नहीं सर पाँच सौ रुपये डिपॉजिट करोगे तो वो जीता हुआ अमाउंट प्लस पाँच सौ भी और ले लेंगे ये ऐसा कुछ नहीं होता कि विड्रॉल के लिए पाँच सौ रुपये मांग रहे हैं ऐसा होता नहीं है कहीं अब आज का मारी एक मिनट होल्ड करो होल्ड करो मतलब एक मिनट रुको मैं जरा लेके आता हूँ माइक सही आ रही आवाज अब माइक लगा लिया है अब तो आवाज सही आ रही होगी तो फिर आगे शुरू करते तो मेरे ख्याल से तो आपको पांच सौ रुपए जमा नहीं करने चाहिए ऐसा नहीं होता कि विड्रॉल के लिए पांच सौ रुपए मांग रहे वो पांच सौ और ले लेंगे क्रिकेट डेली विड्रॉल पर कोई टैक्स नहीं है डिपॉजिट पर टैक्स होता है ना जो अभी गवर्नमेंट का रूल भी आया है उसमें भी डिपॉजिट फर्स्ट डिपॉजिट करने पर वो आपसे ट्वेंटी एट परसेंट चार्ज करेंगे तो विड्रॉल पर थोड़ी कोई टैक्स है लॉस सर कोई लॉस रिकवरी प्लान नहीं है यार ये ऐसे ये क्रिकेट डेली आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो ना कि रॉस लॉस रिकवरी प्लान बताओ कोई प्लान नहीं होता है लॉस रिकवरी क्योंकि सिंपल स्ट्रेटेजी होती है आपको खेलना आता है आपको जीतना आता है आपका पैसा बढ़ता है पर आप उसके बाद नहीं रुकते हो ज्यादा पैसा कमाने के लालच में जाता है तो जब जीतना आता है तो ये तो इसका मतलब गेम तो आती है उसके बाद आप रुक नहीं सकते हो तो ये माइंड प्रॉब्लम है तो इसमें तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ाना चाहिए ना मैंने इसका आप बोल रहे हो कि कोई स्ट्रेटजी बताओ या कोई रिकवरी की सिंपल सी बात है खेलना आपको आता है पैसा आपका बढ़ता है ज्यादातर रुकना नहीं आता है तो मैंने बोला स्मॉल स्मॉल विन स्मॉल स्मॉल विड्रॉल ऑनलाइन में सबसे बड़ा पंगा ये है कि आप क्या नाम है पॉकेट में कसीनू है मोबाइल में तो रुक नहीं पाते हो छोटा छोटा विड्रॉल करो बैलेंस हमेशा आईडी में जीरो छोड़ो आप तो कहोगे कि यार 28 परसेंट कटेगा हमारा 28 परसेंट बचाने के चक्कर में 100 परसेंट चले जाएगा प्रवीण पद... पडोल हेलो सर बिग विद्रॉल अमाउंट पर टैक्स लगता है क्या देखो ये जो इंटरटेनमेंट टैक्स होता है ना ये जो गैमलिंग जो है ये जो लीगल गैम्बलिंग होती है ये लग्जरी में आती है इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो पहले दस हजार से ऊपर पे लगता था पर अब एक रुपए पे भी लगेगा तो बड़ा अमाउंट हो या छोटा अमाउंट हो टैक्स तो सब पे लगता है पर वो वो नहीं काट के देंगे वो आपको अपने आप जमा करना पड़ता है अगर आप ये डिक्लेयर करते हो वो तो फर्स्ट डिपॉजिट पे काट रही है ना अगर वो मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो बेईमानी कर रहे हैं हम पैसा कमाते हैं उसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जाके हम इनकम टैक्स जमा करते हैं ना क्योंकि हमने यहां से पैसा कमाया इतना पैसा कमाया ये टैक्स बनता है ये हमने दे दिया वो क्यों काटेंगे हमसे मनीष गिरी सर मैं रोज डिपॉजिट करता हूं रोज विड्रॉल करता हूं अच्छी बात है कैलिस्थीनिक्स बीस क्या है मैं बीस्ट ट्रेनिंग सर एविएटर गेम के बारे में अपना रिव्यू की कोई जीत सकता है ये इस तरह की जो गेम है ना इनमें आप शुरू में जीतते हो बाद में आप हार जाओगे शुरू में जीतोगे बाद में हारोगे जॉनी कुल्हारी एक ही बात को बार बार मत रिपीट करो उसको कमेंट को एक बार टाइप कर दो तो, मैं आ, जैसे आपका कमेंट आएगा मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा अनिकेत सिंह सर लॉस होने पर बार बार हम डिपॉजिट क्यों करते हैं और विन होने पर कहा रुके जैसे हमेशा प्रॉफिट में रहे जिससे हमेशा प्रॉफिट में रहे बॉस प्रॉफिट का रेशो आपको कम रखना होगा पर वो कम का मतलब डिपॉजिट क्यों अमाउंट से डबल से ज्यादा होना चाहिए हमेशा ये मान के चलना कि फिफ्टी परसेंट आप प्लस रहोगे फिफ्टी परसेंट आप माइनस रहोगे अगर डबल प्रॉफिट रहेगा तो आप बराबर बराबर नाश्ते रहोगे और फिर गलती होगी और आप माइनस में जाओगे पर अगर प्रॉफिट हमेशा डबल से ज्यादा रहेगा और फिफ्टी परसेंट आप प्लस होती हो और फिफ्टी परसेंट आप माइनस होती हो तो आप हमेशा फिर भी ओवरऑल प्लस में रहोगे बस शर्त यह है कि जो डिपॉजिट किया अगर वो चले गया तो उसके बाद एक फूटी कौड़ी जमा नहीं करनी है क्या जुए की लत छूट सकती है बंसल जी पूछ रहे डेफिनेटली छूट छूट सकती है ये डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों ने बोला कि आपके वीडियो देख करके अपने जुआ छोड़ दिया क्योंकि मेरा सिंपल सा मैं जितनी मर्जी ट्रिक स्ट्रेटेजी शेयर करूं मेरा पहला थम रूल ये है कि आप गैमलिंग में माइनस में ही जाओगे जो मर्जी कर लो जितना मर्जी ट्रिक स्ट्रेटेजी शेयर कर लो एंड में आप बर्बाद होके ही रहोगे मैं केवल उन लोगों के लिए ट्रिक स्ट्रेटेजी या कुछ भी अपना एक्सपीरियंस या साइकोलॉजी शेयर करता हूँ जो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं और निकल नहीं पा रहे तो कम से कम बर्बाद तो ना हो तेजी से छोड़ा भी जा सकता है बहुत सारे लोग छोड़ते हैं डेढ़ से ज्यादा लोगों ने तो आप कमेंट पढ़ना नीचे कितने लोग बोलते हैं कि भी हमने आपके वीडियो देख के छोड़ दिया मैं बोलता तो, हूँ अगर मेरे वीडियो देख के छोड़ दिया तो दोबारा मेरे कसिनों से जुड़े हुए वीडियो मत देखो क्योंकि कभी भी खोपड़ी पे शैतान नाचेगा फिर भटक जाओगे इंडिया में गैम्बलिंग का रिहेब नहीं है अगर सब कुछ सही रहा तो शायद मैं ही खोलू टूरिस्ट लवर कह रहे हैं कल मैंने पंद्रह हजार से डेढ़ लाख बना लिया हाँ तो आप पक्का माइनस में जाओगे आने वाले दिनों में क्यों जाओगे क्योंकि आपके प्लस करने की कोई सीमा नहीं है आपके पास कोई रूट प्लान नहीं है पंद्रह का डबल होता है तीस हजार पंद्रह का तीन तीन गुना होता है पैंतालीस हजार आपका पैसा तीन गुना हो गया आप नहीं रुके आपका पैसा दस गुना पे पहुंच गए आप बताओ मतलब तीन गुना से ऊपर जा रहे हो उसके बदला आपके पास कोई नियम नहीं है एक नियम होता है ना कि यार मैंने इतना डिपोजिट करना है इतना प्लस होते गेम बंद कर देनी मगर आपने गेम बंद नहीं करी और आप खेलते रहे और अब वो पैसा बढ़ता गया पर हर बार ऐसा नहीं होगा अनिकेत सिंह कह रहे हैं सर लॉस होने पर हम बार बार डिपॉजिट क्यों करते हैं और विन होने पर मनी को कहाँ रखे जिससे हमेशा प्रॉफिट मिले वो मैंने बताया सर लोटस थ्री सिक्सटी फाइव ऐप सही है या गलत बॉस उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मेरे को ऐसे सैकड़ों हजारों ऐप है और पता नहीं कैसे खुलते हैं उनके पास सारा वो रिकॉर्ड होता है कौन आदमी आया पहली बार उसको थोड़ा जितवाओ इस लेवल तक जितवाना है और उसके बाद फिर वो माइनस होता है वो मुझे बाकी गेमों के बारे में नहीं मालूम है प्लेटफॉर्म्स के बारे में इतने सारे प्लेटफॉर्म आप किन किन पर बात करोगे मैं कितना जीता हूँ मैं बहुत कम रकम जीता हूँ इसलिए कभी इस गलती में मत रहना कि मैं बहुत ज्यादा जीतता हूँ मैं छोटा छोटा अमाउंट ज्यादातर जीतता हूँ बड़ा अमाउंट मैं कभी नहीं जीता जितना मेरा काम चल जाता है उसके बाद मैं नहीं खेलता हेलो सर रूलेट ने हमेशा मेरी हार रही है क्योंकि मैं अदर बैट खेलता हूँ मगर अब विनिंग हो रही है सर नमस्कार ऐप बोलो डेली प्रॉफिट नहीं होगा हंड्रेड परसेंट राइट छ महीने कैसे दो लाख कैसे करो प्लीज रिप्लाई मुझसे किसी प्लेटफॉर्म का नाम जानना है तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम के लिंक वगैरह मिल जाएंगे क्योंकि यूट्यूब पर वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट है तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताता हूँ और मेरे पास कोई ज़्यादा ऐसे ऑप्शन नहीं है एक ही साइट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसका जब कभी मैं प्रमोशन वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पैसे मिल जाते हैं उस साइड की बस इतना है कि उस साइड ने कभी भी किसी को ब्लॉक नहीं किया कभी डिपॉजिट विड्रॉल में देर सवेर हो जाती है उसमें भी मैं जिन लोगों ने मेरा प्रोमो कोड यूज किया हो तो उनको मैं थोड़ा सा उनको वेल डाल देता हूँ और पर ये नहीं है कि अगर आप कभी ज्यादा जीत गए तो ब्लॉक कर देंगे ऐसा ये सब नहीं है श्रीकांत गुप्ता शशिकांत गुप्ता सैतीस नंबर में से नौ नंबर लेता हूँ हर तीन चार बार में मेरा एक नंबर आ जाता है क्या ये तरीका सही है हाँ ये तरीका सही है हमेशा रूले के अंदर जो लोग कम नंबर कवर करके चलते हैं और कम नंबरों पर ज्यादा पैसा लगाते हैं वो प्लस में रहते हैं कम नंबरों पर ज्यादा पैसा लगाना और सभी नंबरों पर एक बराबर अमाउंट नहीं लगाने वाले लोग ज्यादातर प्लस में रहते हैं ज्यादा नंबरों पर कम पैसा लगाने वाले उनकी बैट तो ज्यादा आती है पर वो ओवरऑल माइनस में हैं एक बात समझ लो जो मर्जी कर लो आपकी दो तीन से ज्यादा चार से ज्यादा लगातार बैट नहीं आएगी और दो तीन चार से ज्यादा लगातार बैट जाएगी नहीं अगर आप बड़ी बैट खेल हो तो चार बैट में आपका पैसा खत्म हो जाएगा या काफी हद तक ज्यादा पैसा चले जाएगा फिर आप डर जाओगे और फिर आप ऊट हरकत करोगे बेस्ट रूलेट ऐप जानना है मेरे को इंस्टाग्राम पर आपको मेरे को डायरेक्ट मैसेज के थ्रू पूछना होगा तो मैं आपको बता दूंगा यहां पर मैं नहीं बता सकता शेयर मार्केट और कैसीनो में ये फर्क है कि शेयर मार्केट में आपके पास ऑप्शन ये मिलता है कि आप आज खरीद के दो दिन बाद भी बेच सकते हो बढ़ने पर बेच सकते हो नहीं बढ़ने पर होल्ड कर सकते हो और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो हाँ अगर आप सट्टेबाजी वाली बात करते हो जैसे इंट्राडे बोलते हैं जिसको अभी खरीदा और अभी दो मिनट में या तो बढ़ गया या घट गया इंट्राडे जिसको बोलते हो वो प्योर सट्टा है जुआ है कसीनों की तरह पर उसमें फिर भी एक एडवांटेज ये है कि साढ़े तीन बजे के बाद आप नहीं कर सकते सुबह साढ़े नौ से पहले सवा नौ से पहले नहीं कर सकते तो आपके पास एक काफ़ी टाइम बचता है अपनी गलतियों का विश्लेषण करने में के करने के लिए उसके बाद सैटरडे संडे बंद होता है हर नेशनल हॉलीडे वाले दिन बंद होता है शेयर मार्केट तो आपके पास काफी टाइम होता है अप, अपने आप को चेक करने के लिए कसिनोज में क्या है या ऑनलाइन बेटिंग साइट्स में क्या है कि ये चौबीस घंटे चलती हैं चौबीस घंटे आप थोड़ा सा हार गए फिर आपने रो लिया फिर उसके बाद आपको लगा कि आप सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं आप फिर जाके खेल लोगे पर स्टॉक मार्केट में साढ़े तीन बजे के बाद आपने को एहसास हो गया कि आपने क्या गलती करी है तो आपके पास ऐसा नहीं कि आप तुरंत खेल लोगे और फिर आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है हालांकि बर्बाद लोग उसमें भी होते हैं इंटर में ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होते ये क्रिकेट प्रिडिक्शन डेली ने बिल्कुल सही बोला है कि इसमें एंड ऑफ द डे सब बर्बाद हो जाओगे आप लोगों को जुआ छोड़ देना चाहिए इसमें मतलब आपको टिके रहने के लिए रोज जंग लड़नी पड़ेगी इतनी एनर्जी इतना टाइम अगर किसी और फील्ड में लगाओगे तो अब तक तो पता नहीं कितना कमा चुके होते ये हमें दिखता है इजी मनी कितना एनर्जी सक कर जाती है ये गैमलिंग आपको पता भी नहीं है या आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा सर मैं सैतीस पे बैट लगाता हूँ और हूँ और वेट करता हूँ कोई एक्स आ जाए मेरी आईडी जो है राकेश साइकिलिस्ट के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे कई वीडियोस के नीचे लिंक मिल जाएंगे आपको हाल फिलहाल के वीडियो में या किसी शॉर्ट वीडियो में मैं हिट एंड रन गैम्बलर मेरे लिए कुछ टिप्स दीजिए सर हिट एंड रन गैम्बलर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप है मैंने हमेशा बोला कि हिट एंड रन गैम्बलर बनो छोटा छोटा हिट करो भाग जाओ अगर जुआ नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम हाई रोलर गैम्बलर मत बनो उसमें तो फटाफट -पट बर्बाद होकर के बैठ जाओगे हिट एंड रन गैम्बलर में क्या होता है थोड़ा पैसा लेके जाते हैं थोड़े पैसे से थोड़ा सा पैसा बढ़ाते हैं आपके पास बहुत सारी मौके बन जाते हैं पर अगर आप बड़ा बड़ा खेलोगे तो जल्दी पैसा खत्म हो जाएगा तो हिट एंड गैम्बलर बहुत बढ़िया तरीका है पर यह ध्यान रखना उसमें कि ये टिप दे सकता हूँ आपको कि एक दिन में एक से ज़्यादा बार ट्राई मत करना एक दिन में एक बार और वो भी अगर अल्टरनेट डे हो तो ज़्यादा अच्छा है देखो गैम्बलिंग में क्या है जितना ज़्यादा खेलोगे उतना हारोगे जितना कम खेलोगे उतना जीतोगे तो वो चीज़ है ऑनलाइन कसीनों में चीटिंग होती है क्या बॉस इसका जवाब मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ क्योंकि अगर हम कहेंगी चीटिंग होती है तो हमेशा वही लोग बोलते चीटिंग होती है जो लोग हार चुके होते हैं जिस दिन जो जीता होता है उस दिन वो कभी नहीं बोलता कि आज चीटिंग हुई थी और उन्होंने मुझे जितवा दिया चीटिंग करके कभी आपने आज तक किसी के मुंह से सुना है कि कसिनो ने मुझे चीटिंग करके जितवा दिया हमेशा चीटिंग करके हरवा दिया बोलते हैं तो जब वो ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी लगातार हारता है तो जब वो जीतता है तो वो क्यों नहीं बोलता और एक्चुअली में होता क्या है कि जब वो हारता है वो उस दिन भी जीता होता है पर वो और कमाने के लालच में लगातार खेलता रहता है और धीरे धीरे पैटर्न चेंज होता है और वो हार जाता है और मैं कह रहा हूं कि अगर चीटिंग होती है फिर तो तुरंत छोड़ देना चाहिए जुआ क्योंकि आपके पास अब आपको मालूम है कि एक आदमी सामने से चीटिंग कर रहा है तो उसके साथ क्या खेलोगे आप उससे तो जीत ही नहीं सकते फिर तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है बोलते हैं कि कसीनों में चीटिंग होती है और फिर खेल भी रहे हैं तो भाई ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है ना कि आपको मालूम है कि चीटिंग होती है और आप फिर भी खेल रहे हो मैं तो खुद मैं दुबई इसीलिए आया क्योंकि मैंने कहीं एक ऐसी कंट्री जाते हैं जहां पे कसीनो ना हो अमृत शूट कैसे हो राकेश भाई ड्रीम इलेवन में सच में पैसे जीत रहा रहे हैं क्या लोग क्योंकि मेरे इधर बहुत से लोग पैसे लगा, रही है। शौर्ट, शौर्ट में बताएं। लगा रहे हैं ये क्या होता है गैमलिंग में अगर किसी आदमी को बड़ा बर्बाद होना होता है तो वो शुरू में जीतता है अगर किसी आदमी ने कम बर्बाद होना होता है तो वो शुरू में हारता है तो शुरू में जीतना वैसे ही नुकसानदेह होता है और इसमें गेम में चीटिंग या वो सब चीजें तो बहुत दूर की बात है इंसान का दिमाग उसको अगर वो कोई जीत जाता तो कहता है मेरे को इसी बिजनेस से करोड़पति बनना है अरबपति बनना है आज तक आपने दुनिया के सबसे कामयाब लोग फाइनेंशियल जो सक्सेसफुल लोग हैं या दुनिया में जो राज करते हैं कभी सुना कि कोई जुए की वजह से वहां तक पहुंचा है पर लोगों को लगता है कि वो पहुंच सकते इजी मनी उधर बैठते हैं यार इधर लाइट कम है अब सही होगा विकास बारीकी आपका क्या सवाल था सर नमस्कार आप बोलो बोले थे डेली प्रॉफिट नहीं होगा हंड्रेड परसेंट राइट कैसे छः महीने में दो लाख कैसे करूँ प्लीज़ रिप्लाई बॉस इसमें मैं क्या बता सकता हूँ कि भाई आप दो महीने में कैसे ए, दो लाख रुपए कमाओगे कोई ऐसे कोई फार्मूला थोड़ी कि मैंने आपको बताया कि भाई दो लाख रुपये ऐसे ऐसे कर लो कमा लो तो फिर खुद सोचो आप मैं वीक में बस सैटरडे संडे खेलता हूँ बहुत अच्छी बात है बैक पेंचर सर जी मेरे ऊपर चार लाख का कर्ज है कैसे भरू बताइए इनकम नहीं करता हूँ मैं जुआ छोड़ना है कर्ज खत्म हो गए हो जाए कैसे करो बस पहली बात तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जुआ कभी भी जीत करके नहीं छोड़ा जा सकता ऐसा नहीं कि आपने शुरू में दस बीस लाख रुपए हार गए और फिर आपने कोई तरीका अपनाया या मेरे जैसे किसी आदमी ने बकवास करी और आपने उसकी बात समझ के खेलना शुरू किया और आपका दस बीस लाख वापस आ गया और अब आप, आप कह रहे हो कि अब मैं आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा ऐसा नहीं होता है अगर आपको दस बीस लाख रुपए लाना आ गया तो फिर तो जुआ छोड़ने की जरूरत ही नहीं है फिर तो ये आपका करियर बन सकता है पर ऐसा नहीं होता है तो इतना क्लियर इस इंडस्ट्री के अंदर आपसे कोई नहीं बोलेगा सब आपको घुमाएंगे नहीं नहीं ये तरीके से खेलो वो तरीके से खेलो मेरे को उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाओ वहां पर मैं आपको तरीका बताऊंगा ये बताऊंगा कोई तरीका नहीं है जुआ हमेशा जुआ हमेशा हमेशा लॉस में 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 छूटेगा छूटेगा घाटे घाटे जब आप में हो गए, आप माइनस तभी आप जुआ छोड़ोगे प्लस में कोई आदमी जुआ क्यों छोड़ेगा और अगर उसका लॉस कवर रिकवर हो गया तो क्यों छोड़ेगा तो ये इसमें कोई जो चले गया उसको भूल जाओ और अपना नया तरीके से नए Uh, किसी और सोर्स ऑफ इनकम से धीरे धीरे कमाओ। पिरानियम सेवन स्ट्रीट पकड़े खेलता हूं इसमें कैसा प्रोग्रेशन रखना चाहिए कौन सी गेम की बात कर रहे हो सेवन स्ट्रीट सर मैं एक बार चालीस हज़ार डिपॉजिट किया था फिर मैंने खेल के पचहत्तर हज़ार कर लिया और फिर सारा हार गया ये हर आदमी की कहानी है हर दूसरे आदमी की यही कहानी है राकेश भाई आप आकर्षण के सिद्धांत की टाइमिंग और कैसे किया जाता है उस पर वीडियो बनाए प्लीज़ मेरी बनाए मैं मेरी सारी चीजों को ठीक करना चाहता हूँ वीडियो बनाऊंगा तो एक तो ट्रैवल एंड नॉलेज अपना जो चैनल है उस पर डालूंगा दूसरा क्या है कि ये प्रॉपर एक प्रोसेस है ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बनाया आपने देखा और उसको करना शुरू कर दिया काफी प्रैक्टिस के बाद में चीजें होती है काफी शिद्दत के साथ होती है मतलब हंड्रेड परसेंट प्योर फोकस कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी पिक्चर का डायलॉग है ना कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात साजिश करती है उसको ये ये बिल्कुल सही बात है वो डायलॉग है पर एक्चुअली में लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का तरीका ये मतलब सिद्धांत यही है आयाज एक्सन सर गोवा कसिनो में जीतने के बाद टीडीएस कट रहा है क्या आप कभी टी डी हो आपने कभी नहीं बताया मेरा आज तक एक रुपया नहीं कटा है मैंने जितना अमाउंट जीता उतना मुझे मिला है अभी एक अक्टूबर के बाद कैश बाइंग करने पर अट्ठाईस परसेंट वो काट रहे हैं जो मेरे को अभी किसी ने बताया एक्चुअली मैं दुबई में हूँ तो मेरे को मालूम नहीं गोवा में क्या चल रहा है पर मैंने मेरे को एक दो मेरे फ्रेंड है वहां पे उन्होंने बताया कि हाँ कैश बाइंग करने पर ये चीज कट रही है मतलब चिप बाइंग करने पर वो अट्ठाइस परसेंट जीएसटी काट रहे हैं बाकी विनिंग अमाउंट पे क्यों काटेंगे विनिंग अमाउंट तो आपकी इनकम है अब आपको जब इनकम टैक्स भरना तब आपको डिक्लेयर करना कि जी मैंने ये पैसा यहाँ से कमाया इस पर ये टैक्स एप्लीकेबल होता है ये टैक्स ले लो चीटिंग होती है भाई रिमो रुलेट में रिमोट से गोटी आ यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर लोगों ने देख करके वो वीडियो पे कहते हैं कि चीटिंग होती है पर जब चीटिंग होती है तो फिर कई बार लोग इतना बड़ा बड़ा क्यों जीतते हैं और हर आदमी जीतता है और आप तो ये वर्चुअल या क्या नाम है ऑनलाइन की बात कर रहे हो आप कभी काठमांडू के कसिनो में गए हो आप गोवा के रॉयल में जाओ मैनुअल बॉल घुमाते गुम, हैं आदमी मैनुअल बॉल घुमाएंगे और वो बॉल में कोई भी रिमोट वीमोट नहीं होता कितनी बार वो बॉल नीचे गिर जाती है हम लोग उठा करके देते हैं नॉर्मल एक बॉल है आपको क्या लग रहा है कि भी? वो बॉल स्पिन होने के बाद भी आपको पांच सेकंड देते हैं बैट लगाने को आपको लग रहा है बॉल, एक -एक एक -एक बॉल, तो बॉल घूमने के बाद उसको करना इतनी पब्लिक खड़ी होकर देख रही होती है आप तो खाली वो ऑनलाइन की बात कर रहे हो ऑफलाइन के अंदर आप देखो ना ऑफलाइन कसिनो में आप जाओ तो आपके सामने वो बॉल हाथ से घुमाते हैं बॉल एक्स्ट्रा रखी होती है आप चाहो तो उस बॉल को चेक भी कर सकते हो क्या होता है मैंने बताया ना कि जब आदमी माइनस होता है तो वो कहता है चीटिंग होती है एक्चुअली में चीटिंग हमारा दिमाग हमारे साथ करता है एक लाख रुपए की एफडी करोगे ना साल का सात साढ़े सात परसेंट मिलता है सात साढ़े सात हजार साल का यहां पर आप दस हजार लेके जाओ आपका दस का बीस तुरंत हो जाता है पर आदमी रुकता है नहीं रुकता तब तक खेलता रहता है जब तक तो उसका पैसा बहुत बड़ा ना बन जाए या बिल्कुल जीरो ना हो जाए बहुत बड़ा बहुत कम बनता है और अगर बन भी गया तो वो अगली बार और बड़ा खेलेगा पे आपका प्रोमो कोड डाला कि नहीं क्या करे कैसे करे भई आपकी मर्ज़ी है अगर आपको लगता है कि भी मेरा प्रोमो कोड डालना चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो मेरा प्रोमो कोड यूज़ करने पर आपको सीवीस की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है कल को कभी कोई डिपॉजिट वगैरह में कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो तो मैं आपके बिहार पे एक मेल डाल सकता हूँ इतना कर सकता हूँ तो वो आपकी चॉइस है आप यूज़ करना है करो नहीं करना है मत करो आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो उसका फ़ायदा मुझे होगा आपको नहीं होगा मुझे ये फायदा होगा कि कंपनी की नज़र में मेरी ताकत बढ़ेगी कि हाँ इसकी वजह से कोई ये बंदा आया है आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको बेनिफिट बस इतना ही मेरी तरफ से मिल सकता है कि भाई आप मेरे को कभी बोलोगे या मैम ने ये डिपॉजिट किया है अपडेट नहीं हो रहा है या विड्रॉल में दिक्कत आ रही है तो मैं आपका जो आईडी वगैरह है वो उन तक पहुंचा सकता हूँ कि भाई ये ये दिक्कत आ रही है इसको सॉल्व करो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं रोहित कुमार हेलो सर गोवा ऑफलाइन कैसीनो कसिनो में अस टी लागू हुआ है या नहीं हुआ है स्टेटस बताओ हो गया है मेरी जो बात हुई है किसी से तो हो गया भी मैंने खुद जाके नहीं चेक किया बारे का आपको कितने साल हो गए गैमलिंग करते हुए और कहां से शुरू किया था आपने कैसे चला मैंने श्रीलंका में पहली बार मैं कसिनो में गया था दो में 2018 से लगा लो पाँच छः साल ही हुए हैं मुझे और श्रीलंका में गया था मैं सबसे पहले कसिनों में श्रीलंका के तीन कसिनों हैं मरीना कसिनो बेले कसिनो बेले जियो कसिनो उसके बाद मैं नेपाल में गया काठमांडू में सारे कसिनों में ऑलरेडी कई बार जा चुका हूँ पाँच छः बार मैं नेपाल में जा चुका हूँ दो दो महीने रह के वहाँ पे सारे कसिनों मैंने ट्राई किए हुए हैं उसके बाद गोवा में आके मोस्टली कसीनों मैंने ट्राई किए हैं फिर आ, मैंने सिंगापुर के सारे कसिनों ट्राई किए हैं फिलीपींस के मैंने बड़े जो कसिनो है वो ट्राई किए हैं उसके बाद मलेशिया का जो इकलौता कसिनो है जेंटिंग हिल स्टेशन पर उस कसिनो को मैं गया हूं गोवा लैंड कसिनो कौन सा है जिसमें कम से कम चिप अमाउंट चलता है मतलब पचास का चिप पचास के चिप वाले वैसे तो कई कसीनो है पर टेबल जो मिलेगी पचास की वो आपको सिर्फ उसमें में। उस में आपको पचास की चिप की टेबल मिल जाएगी नियो मजिस्टिक पैराडाइज में बाकी सब में टेबल पे मिनिमम है हाँ वो जो मशीन होती है ऑटोमेटेड उसमें पचास की चिप आपको मिल जाएगी जगविंदर सिंह रूलेट स्पेन के बारे में बताएं स्पेन क्या होता है सर आप बोलते हो छोड़ो छोटे टारगेट करके जीत सकते हैं प्लीज टिप्स दो मेरा एक लाख लॉस है पर विकास बारी की छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है अगर आप बड़ा पैसा आप लगाओगे तो आप प्रेशर में रहोगे और बड़ा पैसा लगा के छोटा पैसा कमाओगे तो दस में से आठ बार कमाओगे दो बार भी माइनस हो गए तो पूरा बड़ा अमाउंट जाएगा मतलब समझ लो कि आपने सौ रुपये लेकर के खेलना शुरू किया और हर बार आप पाँच रुपये कमा रहे हो पाँच परसेंट मतलब और फिर नौ दिन में आपने पैंतालीस रुपये कमाए और दसवें दिन आपसे गलती हो गई क्योंकि लगातार तो जीता नहीं जा सकता और आप सौ रुपये हार गए तो ओवरऑल आप माइनस में रहे अब सोचो उल्टा अब इसको उल्टा करो कि आपने बीस रुपये लगाए और आपने पच्चीस होते ही तीस होते ही बंद कर दिया अब आधी बार भी अगर आप जीते और आधी बार भी आप हारे और आपने पच्चीस मतलब बीस से ऊपर बीस रुपये लगाए और डबल से ज्यादा मतलब चालीस से ऊपर किया और आपने गेम बंद कर दिया और आधी बार आप जीते आधी बार आप हारे तो आप प्लस में रहोगे हमेशा छोटे से बड़ा पैसा बनता है बड़े से छोटा पैसा दिखता बड़ा आसान है कि अरे यार लाख रुपये लेके बैठो चार पांच हजार तो यू ही बन जाते हैं किसी किसी दिन ऐसा होगा कि आपका अमाउंट गैम्बलिंग के अंदर ऊपर जाएगा ही नहीं जो मर्जी कर लो या वो एक एक अमाउंट डिसाइड हो जाएगा उससे ऊपर नहीं जाएगा प्रॉफिट आप कोशिश कोशिश करते रहोगे तो अकलमंदी यही है कि उसी टाइम निकल जाओ जॉनी कुल्हारी सर मैं 200 रेड पे लगाता हूँ अगर ब्लैक आता है तो फिर 400 रेड पे लगाता हूँ बार हर बार दुगनी रकम तो लगाता हूँ रेड नहीं आए सर ये तरीका सही है ये तरीका बर्बाद कर देगा आपको इसको बोलते हैं मार्टिंगले स्ट्रेटजी अभी तो मैंने डाला है वीडियो दो दिन पहले मार्टिंगले स्ट्रेटजी मार्टिंगले स्ट्रेटेजी बोलता है कि हमेशा जो जुए का रिजल्ट होता है उसके अपोजिट चलो जो रिजल्ट काफी देर से नहीं आया है उस पर पैसा लगाओ इस बार नहीं आया तो अगली बार पक्का आएगा डबल कर दो अगर अगली बार भी नहीं आया तो उसके बाद तो पक्का ही आएगा तो उसको और डबल कर दो तो मार्टिंगले ने बहुत लोगों के घर बार बिकवाए हैं शु, शुरू में वो जितवाता है ज्यादातर आपकी आप ज्यादातर जीतोगे पर जब कम हारने पर ज्यादा बड़ी रकम हारोगे कम बार में ज्यादा बड़ी रकम हारोगे और ये बात अभी आपको नहीं समझ में आएगी पर जिस दिन झटका लगेगा उस दिन समझ में आएगी मैं काठमांडू में एक बार कुछ दस ग्यारह हज़ार रुपये प्लस था मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है एक कप चाय पीने रुका था और मार्टिंगले स्ट्रेटजी से खेलता था सामने देखा कि भी छः बार ब्लैक आया हुआ है मैंने कहा रेड आएगा मैंने जाके रेड पे लगा दिया वो फिर ब्लैक आ गया मैंने कहा सात बार हो गया है अब थोड़ी अब तो पक्का आएगा डबल कर दिया वो फिर नहीं आया फिर डबल कर दिया नहीं आया अच्छा वाला दस बारह हजार रुपए प्लस था अपनी जेब से वो जीता हुआ तो गया, गया। अपनी जेब का बीस पच्चीस हजार और दे आया उसका वीडियो बना के डाला है मैंने अभी अमाउंट याद नहीं है मैंने उस वीडियो में बताया कि कितने से कैसे किया मोहम्मद आमिर कह रहे हैं सर मैं रूलेट में ऑल सैतीस नंबर पे बैट लगाता हूं परी मैच में और वेट करता हूं कि ए कि कभी दो सौ गुना या पांच सौ गुना आए ये क्या ये तरीका सही है नहीं बॉस ऐसा नहीं है सब सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड होते हैं जो लाइटिंग रूलेट होते हैं ना जो आपको दो सौ गुना पांच सौ गुना तीन सौ गुना देते हैं सब सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड होते हैं ये अपनी जेब से नहीं देते हैं ये आपका ही पैसा कैलकुलेट करते हैं क्योंकि लाइटिंग रूलेट में कभी भी आपको एक का पैतेस नहीं मिलेगा नॉर्मल रूलेट में क्या होता है स्ट्रेटअप का हाइस्ट पे आउट होता है एक का पैंतीस पर लाइटिंग रूलेट के अंदर कहीं पर एक का तीस मिलेगा कहीं पर एक का अट्ठाईस भी मिलेगा वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा वो लाइटिंग गुना दे रहा है कितने गुना दे रहा है कुछ लोग डबल डबल लाइटिंग डबल लाइटिंग भी आपने देखी होगी पहले आ गया सौ गुना फिर अचानक उसके ऊपर एक और लाइटिंग गिरेगी और वो दो सौ गुना या हजार गुना हो जाएगा तो इस तरह के जितना ज्यादा वो आपको देंगे उतना वो कम कट मारेंगे मतलब आपको कम पे आउट देंगे एक का पैंतीस नहीं कभी मिलेगा एक का तीस मिलेगा एक का फिर तीस से कम होता चला जाएगा कुछ तो ऐसे रूलेट भी हैं जो एक का छब्बीस भी देते हैं मतलब नौ टाइम कम भी देते हैं वो क्या करता है सॉफ्टवेयर वो आपको जो हर बार जीतने पर जो कट मार रहा है ना वो आपको जो पैतीस देना चाहिए पर जो कम दे रहा है उसको वो टोटल करता है कि टोटल कितने लोगों से मैंने कितना कमाया उसी के हिसाब से वो मल्टीपल करता है हमें लगता है कि हम तो बेवकूफ बना रहे हैं उसको एक्चुअली हम बेवकूफ बन रहे होते हैं तो ये तरीका बिल्कुल बेवकूफी वाला है ये आपने दो चार दस पंद्रह नंबर लगा दिए उसमें कोई आ गई लाइटिंग आपको पाँच सौ गुना मिल गया दो सौ गुना मिल गया ठीक है ये कोई तरीका ही नहीं है आप सैतीस नंबर पे आप लगा रहे हो पैसा और आप, आपका हर बैट आएगी ये तो पक्की बात है कि हर बैट आएगी तो हर बैट में वो आपको एक का पैंतीस दे ही नहीं रहा वो तो आपको एक का तीस या एक का अट्ठाईस दे रहा है अगर एक का तीस भी दे रहा है तो आपको सात तो वो वैसे ही कम दे रहा है उसके बाद में अगर उसने आपको सौ गुना दे भी दिया तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि हर बार तो उसने कट लगाया है ना आपके पे आउट में इसमें आप कभी कभी प्लस हो सकते हो ऐसा नहीं है कि पर ये स्ट्रेटेजी नहीं है ये उन्होंने जब डिजाइन किया तो क्या उनको नहीं मालूम होगा सर मैं अभी डेली कसीनो खेल रहा हूं बट बड़ा टारगेट कैसे जीतू डेली कसिनो खेलने वाला हमेशा बर्बाद होगा डेली कसिनो खेलने वाला हमेशा बर्बाद होगा सर आपने कितना कमाया कसिनों से बिग फैन ऑफ यू सर मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे थैंक यू मुझसे कुछ नहीं सीखा होगा आपने सीखने की क्षमता होगी तो आपने सीखा होगा अगर मुझसे सीखा जा सकता तो मेरे को तो 18000 लोगों ने सब्सक्राइब किया तो फिर सबको जुआ छोड़ देना चाहिए था जुआ छोड़ा सिर्फ डेढ़ लोगों ने अपने लॉस की रिकवरी भी बहुत कम लोगों ने की है तो इसका मतलब ये है कि मुझसे नहीं सीखा उनमें सीखने की क्षमता थी उनका आईक्यू लेवल हाई था रही बात मैंने कितना कमाया अपनी दाल रोटी और अपना शाही पनीर का खर्चा निकल जाता है अभी मैं दुबई में बैठा हूँ बुर्ज खलीफा के सामने वाले होटल में बैठा हूँ न्यू मजिस्टिक पैराडाइज का एंट्री फीस कितना है पहले तो हजार था अभी बोला कि हजार प्लस जीएसटी मतलब साढ़े बारह सौ के आसपास होगा एंट्री फीस संजिया रोहित कुमार सर नेपाल में कौन सा कसिनो बेस्ट है और एंट्री प्राइस क्या होती है हॉस्टल कौन सा है देखो लाजिम पट एरिया है काठमांडू में वहां पर अगर आप रुकोगे तो ज्यादातर कसिनो आपके आसपास होंगे पहली बात नेपाल के अंदर इंडियंस फॉरनर होते हैं तो फॉरनर के लिए एंट्री फ्री होती है तो आपकी किसी भी कसिनो में कोई एंट्री नहीं लगेगी ये बात भी ध्यान रख लेना दूसरा अच्छा कसिनो वो होता है जिसमें आप जीत जाओ कसिनो सब जुए के अड्डे हैं कोई अच्छा बुरा कसीनो नहीं होता वहां पे आप कोई बोलता है उस कसीनो को खाना अच्छा है अरे खाना खाने कसीनो के लिए जा जा रहा था क्या भा? अगर खाना अच्छा है तो खाना तो होटलों में मिलता है खाना खाना है तो होटल में जाओ दारू पीनी है तो बार में जाओ कसीनो जा रहे हो तो फिर उस लिए लिए जाओ जिस कसीनो लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो उस कसीनो जाता हूँ उसका खाना बहुत अच्छा है अरे तो खाना तो होटल में जाके खा ले भाई वहां पे लाखों रुपए क्यों हार के आ रहा है खाने के चक्कर में मैं ज्यादातर वहां पे बेले कसीनो में जाता था मुझे बेले कसीनो अच्छा लगता है उसका माहौल अच्छा है नीलगिरी ऑफलाइन इन्फोसर कसीनो से बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं पर इससे बाहर नहीं आ पा रहा रहे हैं जबकि रूलेट से विन करते हैं पर रोक नहीं पाते हैं आपका वीडियो देखकर फिलहाल कुछ कबार, कवर की कुछ कवर किए है देखो कुछ कवर किया है तो इसको छोड़ दो ये जुए में कोई तृप्ति नहीं होने वाली कोई ये लगता है इजी मनी पर इजी मनी है नहीं ये आपका सारा पैसा खा जाएगा तो इससे ज्यादा मैं आप लोगों को खुल के क्या बोलू और मैं ये भी नहीं कह सकता कि यार बाकी तो आप खुद समझदार हो क्योंकि समझदार आदमी जुआ क्यों खेलेगा हलवा है क्या कि आप आए और पैसा लगाया और जीत के चले गए और वो लोग तो बैठे हैं पैसा बांटने को जिस दिन आप जीतते हो उस दिन दस हारते हैं उनका पैसा आपको देते हैं और बाकी का अपनी जेब में डालते हैं सर मेरा दो लाख रुपए हुए लॉस दो लाख रुपए हुए हैं सर कैसे आएगा बहुत कैसे आएगा ये नहीं पता पर जुए से नहीं आएगा ये पक्का पता है सर जी मैं लाइनिंग खेलता हूँ जब जब लगाता हूँ जब किसी दो डजन में खोलता है नंबर पंद्रह नंबर लगभग कवर होते हैं उज्जवल बारिक दुबई का ट्रैवलिंग कॉस्ट मुझे कितना पड़ा ये मैं कैसे बता सकता हूँ क्योंकि अभी तो ट्रैवलिंग चल रही है ना अभी आज मेरा दसवा दिन है तो भी तो ट्रेवलिंग चल रही है कब मैं आऊंगा मुझे नहीं पता सतीश चौधरी सर किसी के किसी एक अट्ठारह नंबर की ट्रिक हर बार प्ले कर सकते हैं नहीं हर बार कैसे प्ले कर सकते हो क्योंकि हर बार वो पैटर्न थोड़ी देर के बाद चेंज कर देता है अगर हम सोचे कि हमने एक बेट बनाई है जिसमें अठारह उन्नीस नंबर कवर हो रहे हैं और हमने हर बार वही बेट लगाएंगे ऐसा नहीं होता क्योंकि वो वो वही सेम चीज कई बार दस -दस बार ऐसे नंबर नंबर भी आएंगे जो उस 18 में नहीं आते तो आपको लगातार पैटर्न के हिसाब से चलना होगा अपने हिसाब से नहीं कुमार रेलवानी जी कह रहे हैं जीएसटी का क्या हुआ कसीनो जी में जीएसटी मेरे को बात हुई है किसी से उसने बोला कि वो काट रहे हैं अट्ठाइस परसेंट बाकी एग्जैक्ट मैं खुद नहीं गया हूं इसलिए मुझे मालूनी पर जो गए हैं उन्होंने मुझे बताया है रोमिल गाला कह रहे हैं, यूट्यूब से मिनिम तो कितने लोग आपको देखते हैं या देखने से भी ज्यादा व्यूज से कमाई नहीं होती है एक बात ध्यान रखना हमेशा कौन कितनी देर देखता है कौन कितना आपसे जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से YouTube आपकी एड के प्राइस बढ़ाता है लोगों को लगता है कि मेरे व्यूज कम आ रहे हैं तो मेरी कमाई भी कम होगी पर मेरी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कमाई है पर इतनी कम भी नहीं है क्योंकि लोग ज्यादा देर तक देख रहे हैं और जिस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं तो उस तरीके से मेरे चैनल पर पर चलने वाली का जो रुपीम है रुपीम मतलब हाँ है मतलब मतलब रेट माइल वो बहुत हाई इतने जे, मुझसे पांच गुना ज्यादा व्यूज पर जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मुझे इतने व्यूज पर मिलता है हालांकि आपने ट्रैवल एंड नॉलेज पर कुछ नेगेटिव कमेंट किए थे तो मजबूरन मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ा था क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को ब्लॉक करना पर क्या होता है कि जब कोई एक बना लेता है, बिना मतलब करता है तो exactly यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इतने सारे लोगों से मैं बात करता हूँ कितना कुछ आप लोग सिखाते हो आपको भी नहीं पता होता कई बार उज्जवल बारीगा आपने रूलेट खेलना कहां से सीखा मैंने रूलेट खेलते खेलते सीखा कुछ पैसा गवा के सीखा 2018 में पहली बार मैं श्रीलंका में गया था कसिनो में उसके बाद से मैंने रूलेट के ऊपर स्टडी करना शुरू किया शुरू में पैसा गया भी साल डेढ़ साल के अंदर मैं माइनस भी रहा साल डेढ़ साल में पर फिर मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी जो दस दस साल दे चुके हैं लाखों करोड़ रुपए हार चुके हैं उन लोगों से मैंने बात करी तो मुझे लगा कि जब इनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इतना पैसा ही दे चुके हैं तो इनसे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैसे जीत सकता हूँ इसका मतलब ये कि गेम कुछ और है तो ये माइंड गेम है वो लोग ट्रिक और स्ट्रेटजी पे चलते हैं वो ट्रिक और पे चलते हैं इसलिए मुझे उनको मतलब मेरे को समझ में आ गया कि ट्रिक और स्ट्रेटेजी से हम नहीं जीत सकते हैं तो फिर मैंने इसके ऊपर किताब लिखने का फैसला किया तो किताब लिखने के चक्कर में मैंने और बड़े बड़े गैमलर्स के साथ बात करी जिनकी मैं स्टोरीज कई बार शेयर करता हूँ किस्सा कसिनो का कह के या और भी तो उससे मुझे बहुत कुछ समझ में आया मुझे समझ में आ गया कि ये माइंड गेम है थोड़ा सा बढ़ने के बाद भागना पड़ेगा नहीं तो ये सारा पैसा ले जाएगा बस ये सिंपल सी इसकी एक ही लूप होल है उज्वल बारिक आपने रूलेट खेलना काजी हो गया कसीनो गुड और ऑनलाइन कसीनो गुड देखो दोनों ही जुवे के अड्डे दोनों ही बर्बाद करेंगे पर ऑफलाइन फिर जेब में पड़ा हुआ है कितने रात को मान लो बड़े रात को आंख खुली तो भी फोन लेकर बैठ गए चेक करने अच्छा जब भी चेक करोगे आप ही के रिजल्ट आ रहे होंगे आपको लगे यार अभी तो जीत जाऊंगा मैं सर गोवा में सबसे कम एंट्री फीस कहाँ है और मिनिमम बेड कितनी सबसे कम एंट्री फीस जो मेरे नज़र में है वो नियो मजिस्टिक पैराडाइज कसिनो है पोर्वरी में लैंड कसिनो उसकी बारह रुपए की एंट्री है अभी मतलब पहले हजार थी किसी ने बताया मुझे क्योंकि मैं काफी टाइम से गया नहीं उसमें हजार बारह रुपए एंट्री फीस है और उसमें मिनिमम पचास की टेबल भी है अनिकेत सिंह सर मैं छोटे छोटे मनी से बहुत पैसा बना लेता हूं बट अचानक कभी के बार मैं ही सब पैसा लगा देता हूं ये क्या प्रॉब्लम है और मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैं इससे बहुत पैसा ब... कमा लूंगा होता क्या है देखो इसको ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल गेम है हमेशा मैंने प्ले बनाई हुई है ट्रेवल एंड नॉलेज पर साइकोलॉजी ऑफ कसिनो साइकोलॉजी मतलब ये एक माइंड गेम है क्या होता है जब आप छोटा खेलते हो तो आप जीतते हो जब आप छोटा खेल के बार 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 जीतते रहते हो जीतते रहते हो आपका दिमाग बोलता है कि जब तुझे खेलना आता है जब तुझे जीतना आता है तो छोटा छोटा क्यों खेल रहा है चल एक बार बड़ा खेल फिर आप बड़ा खेलते हो या तो पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में सारा गवा देते हो जितना आपने दस दिन में थोड़ा थोड़ा करके कमाया होता है फिर आपके अंदर बदले की भावना फ्रस्ट्रेशन हीन भावना अपने आप को कोसना ये सब शुरू होता है और वहां से फिर आपका डाउनफॉल शुरू होता है जैसे मुर्गी का अंडा रोज नहीं खाना है तो अरे यार रोज एक एक घंटा क्यों खाए चलो पेट फाड़ के पूरा ही निकाल ले वो वाली कहानी है इसमें अनिकेत सिंह ये लत है कि कॉन्फिडेंस नहीं नहीं ये ना लत लत तो तो एडिक्शन है ही है ना पर ये कॉन्फिडेंस तो दूर दूर तक नहीं है ये तो बेवकूफी है आप अपने दिमाग से वो सोचो ना कि अगर बड़ा बड़ा जीता जा सकता है बड़ा लगा करके तो फिर सारी दुनिया पागल है फैक्ट्रियां चला रही है काम धंधा चला रही है फिर सारी दुनिया कसीनों क्यों नहीं ट्राई करती फिर हिंदुस्तान के पूरे के पूरे सारे राज्यों में क्यों नहीं है कसीनो अगर यही है कमाई का जरिया है एक्चुअली में मनी ट्रांसफर हो रही है विकास बारी कीजिए आपके मैंने कई कमेंट पढ़े हैं मैक्स फायर क्या चल रहा है बहुत फॉक चल रहा है दुबई में तो फॉक चल रहा है अभी दुबई में हूं मैं इस समय रोमिल गाला जी कह रहे हैं एक कमेंट रखे श्री राम विश्वकर्मा ऑफ़लाइन जुए अंदर बाहर में कैसे खेलूं अपना कार्ड पर क्या बॉस कार्ड गेम के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है नॉलेज नहीं है और जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं मैं उसके बारे में बात नहीं करता तो मुझे कोई आइडिया नहीं है बाकी है सब जुए के अड्डे छोड़ दो तो बहुत बढ़िया गेम कोई भी खेलो ओवरऑल आप माइनस में जाओगे रोमिल गाला जी कह रहे हैं हाँ मैंने आपके ट्रैवल पर कमेंट किया था कि आप ट्रैवल में प्लेसेस कवर नहीं करते हो सॉरी फॉर नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है एक्चुअली में क्या होता है ना हर चीज देखो आपके पास समझने के लिए बहुत कुछ है किसी भी वीडियो से कुछ भी समझ लो मेरे पास लिमिटेशन होती है कि मेरे को इतनी देर के वीडियो में ही सब कुछ बोलना है तो कई बार बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं तो उससे लोग गलत अंदाजा लगा लेते हैं तो वो चीज है और मुझे ना सच बताओ मुझे नहीं पसंद की शॉपिंग करूं जा करके Uh, सारे अब दुबई में दुनिया भर के पॉइंट्स है और मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ तो मैं सारे पॉइंट्स देखूँ लोगों को बताऊँ देखो यहाँ पे आ जाओ इतने का खाना मिलता है इसकी इतने की टिकट है यहाँ पर हाँ मैं जहाँ जाऊंगा मैं वहाँ का वीडियो बना लूंगा मुझे अपने अब मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों से बात कर रहा हूँ मुझे ये अच्छा है ये लाइव शुरू होने से पहले मैं बैठा हुआ था कुछ कि पढ़ रहा था मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप स्विमिंग करने और क्या जिम करने के लिए दुबई ये तो आप गोवा में भी कर लेते हो तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर ऐसा हो तो फिर बहुत सारी चीजें इंडिया इंडिया में मौजूद है फिर लोग इंडिया से बाहर क्यों जाते हैं हर आदमी का एक अलग नजरिया होता है सीखने का सबका कॉमन नहीं होता है अब लोग मुझे यूट्यूबर की कैटेगरी में डालते हैं पर आप बताओ कि आपने ऐसे कितने यूट्यूबर देखे हैं जो इतने मुफट तरीके से बात करते हो अपने सब्सक्राइबर से जो ये बोलते हो कि मेरी नजर में सब्सक्राइबर की कोई औकात ही नहीं है कभी सुना आपने किसी यूट्यूबर्स को ऐसे बोलते हुए आज तक मैंने ढाई हजार से ज्यादा वीडियो कभी मैंने बोला होगी करो, करो, करो। नहीं बोला अभी भी चालीस पचास के करीब लोग देख रहे होंगे बीस लाइक है मैंने बोला गया लाइक करो अभी मैं बोलने लग जाऊँ तो मेरा चैनल कितना बड़ा बन जाए यूट्यूब हर बार बोलता है कि यार आपके ना रिटेंशन ज्यादा है पर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं कटोल लेके भीख नहीं मांगता मेरा सिंपल सा ये मानना है कि अगर आप लोगों के फायदे के लिए काम करोगे तो लोग अपने आप जुड़ेंगे आपसे मैं ट्रैवलिंग अपने लिए करता हूँ ना कि यूट्यूब के लिए करता हूँ जो मैं अपने लिए करता हूँ वो मैं यूट्यूब पर दिखा देता हूँ मैं यूट्यूब से ट्रैवलिंग के वीडियो दिखा दिखा के नहीं पैसा कमाता हूँ मेरे पैसे कमाने के तरीके अलग है सर आपकी किताब का नाम कहा है कहा मिलेगी नहीं उज्जवल बारिक जी किताब तो छपी नहीं तो मिलेगी कहाँ से फोर्टी फाइव फोर्टी परसेंट हुई थी उसके बाद मेरा ये हाथ टूट गया देखो कलाई टूट गई थी तो उसके बाद मैंने वो लिखना बंद कर दिया और मैं घर आ गया गोवा से जब मैं दिल्ली में रहता था तो गोवा आया था किताब लिखने मेरी साइकिल जर्नी जो कश्मीर से कन्याकुमारी थी उसके बाद की बात है और तभी तुरंत घर पहुंचने के दो दिन बाद से ही लॉकडाउन शुरू हो गया था तो फिर यूट्यूब पर ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग गया मैं विशाल वर्मा सर जी कहाँ बैठे हो बोलो मैं इस समय दुबई में हूँ डाउनटाउन दुबई डाउनटाउन एरिया यहाँ का सबसे पॉश एरिया है मेरे ये होटल ट्वेंटी फिफ्थ फ्लोर पे पच्चीसवीं मंजिल पर है मेरा रूम ये रमाडा होटल के और मेरे होटल के सामने ही बुर्ज खलीफा है मतलब सेम कंपाउंड में ही है सर जी एक सलाह लेना चाहता हूं क्या कसिनो जिस तरह से चलता है उसी पैटर्न से चलने में प्रॉफिट किया जा सकता है क्योंकि सर जी खूब सर जो भी था सब डूब गया देखो पहली बात तो जुआ खेलना ही नहीं चाहिए इसमें कोई भी आसान रास्ता इनकम नहीं है ये लगता है हमें पर अगर कोई फंसा हुआ है और वो जुआ खेल ही रहा है तो हमेशा जुए के अंदर गो विद द फ्लो। जो जो रू गैमलिंग का रिजल्ट आ रहा है जिस प, जो पैटर्न चल रहा है आपको उसके फ्लो में बैट लगानी है अपोजिट नहीं जाना है जीवन में हमेशा पॉजिटिव जाओ कभी फ्लो के साथ मत चलो कभी भीड़ के साथ मत चलो पर गैमलिंग के अंदर आपको के के नतीजे साथ चलना पड़ेगा। Go with the flow. कसीनो में कोई इंसान एक नाइट में आपके सामने कितना लॉस किया है पचास लाख का लॉस पॉसिबल है क्या एक नाइट 50 पचास लाख का मेरे सामने लगभग लगभग 35 चालीस लाख तो मैंने देखे हैं लोगों को एक एक रात में हारते हुए वो भी बहुत पुरानी बात है पर जो सुना है मैंने वो लोग तो लोग बहुत बड़ी बड़ी रकमें भी हारे हैं करोड़ों में भी लोग हारते हैं क्योंकि वी आई पी प्लेवर प्लेयर भी होते हैं वी आई पी जोन होता है हर कसीनो में जहाँ पे बड़े प्लेयर खेलते हैं बड़े प्लेयर वो होते हैं जिनकी बैटिंग लाखों की होती है तो वो लोग हारते भी करोड़ों में मोहम्मद अली रिहान सर जुआ छोड़ना चाहता हूं मगर छोड़ नहीं पा रहा हूं छोड़ने का तरीका बताए छोड़ने का तरीका सबसे आसान और एक तरीका यह है कि शुरू में तो आपको दिक्कत होगी जैसे सिगरेट छोड़ने में होती है कुछ दिनों के लिए स्मार्टफोन यूज करना बंद कर दो और उसके बाद जब भी स्मार्टफोन यूज करो तो जितने भी एड आएंगी वो सारी एड को नॉट इंटरेस्टेड करो कुछ दिन तक तकरीबन तकरीबन सात आठ दिन तक दस दिन तक आपको बिना मतलब वो स्मार्टफोन के बगैर वाला फोन यूज करो नहीं तो क्या होगा कि आप सोचोगे फैसला करोगे कि नहीं खेलूंगा फिर थोड़ी देर में ऑन करके बैठ जाओगे और फिर जैसे ही देखोगे रिजल्ट आपके वाले आ रहे हैं फिर जब तक आप डिपॉजिट करके खेलना शुरू करोगे वो रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा देखो आप तक ऑनलाइन कसिनो जुआ एक ही तरीके से पहुंच रहा है वो तरीका है इंटरनेट इंटरनेट से अपने आप को कुछ दिन दूर करो सर बैक की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है अच्छी बात है अगर आपके पास है तो सर आपको अपनी बुक लिखनी चाहिए और लॉन्च करनी चाहिए जरूर करूँगा मैं मैं भी खुद सोच रहा हूँ पर थोड़ा बोरिंग होता है और जिस दिन लिखना शुरू करूँगा तो फिर उसको कंप्लीट ही करूँगा जबकि दिमाग को ऐसा लगता है कि इस बार सही से खिलेंगे वो दिमाग हमारा दिमाग हमारे साथ धोखा करता है कहता है इस बार तो मैं ऐसे करूंगा इस बार मैं तो वैसे करूंगा और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ के भाषण दे रहा हूँ तो मैं कोई बहुत वेल टैलेंटेड हूँ कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कसी जा रहा हूँ रास्ते में सोच के जा रहा हूँ कि भी मेरे को ये वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है और वहां जा कर के मैं कई बार अपनी स्ट्रैटेजी से गलत भी हो जाता हूँ मैं झूठे किससे नहीं सुनाऊंगा कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ ये हूँ वो गलतियां होती रहती हैं गलती होना बड़ी बात नहीं है उससे आप गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए हेलो सर जुआ छोड़ दिया जय श्री राोड़ कह रहे हैं हेलो सर जुआ छोड़ दिया बहुत अच्छी बात है और अगर जुआ छोड़ दिया तो आपको मेरे इस चैनल पर वीडियो नहीं देखना चाहिए क्योंकि कभी कौन सी बात क्लिक कर जाए और दिमाग भटक जाए इसलिए मेरे या किसी भी तरह के गैमलिंग के वीडियोस मत देखो इन सब चीजों से दूरी बना लो जॉनी कुल्हारी सर पचास हजार डिपोजिट करके दो हजार पर डे जीतने के बाद बैक होना सही है क्या ये स्ट्रेटेजी ही पूरी तरह की गलत है हंड्रेड एंड वन परसेंट लॉस में जाओगे एक दिन पूरा का पूरा पचास हजार रुपया जीरो होगा पचास हजार लगा के दो हजार रुपये प्रॉफिट करना नौ दिन तक तो सही चलेगा दसवें दिन पूरा पचास हजार साफ हो जाएगा ये बात ध्यान रख लेना नोट कर लेना मेरे नाम से जब तक बच रहे हो बच रहे हो ये तो स्ट्रेटेजी सबसे बेकार है मतलब ये कमाल की ठंडे दिमाग से देखो सोचो आप कि आप अपना तो दाव पे लगा रहे हो पचास हजार दूसरे का लोगो सिर्फ दो हजार सोचो जिस दिन उसने अपनी चाल चली आपका पूरा पचास साफ करेगा और जिस दिन आपने आपके ने अपनी चाल चली आप उसके सिर्फ दो हजार ही लोगे ये कहाँ की अकलमंदी है विकास की सर एक लाख का लॉस कैसे कवर कर पाऊ प्लीज बॉस मत करो रिकवर करने जाओगे और हार जाओगे सर आप इतने गैम्बलर से मिले होंगे उनमें से किसी ने बहुत कमाया होगा किसी ने बहुत गवाया होगा तो बहुत अमीर रूलेट प्लेयर से आप मिलने होंगे उनका क्या कहना है रूलेट के बारे बॉस एक दो ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो काफी मेच्योर लोग हैं जिन्होंने मतलब रूलेट से बहुत बड़ा पैसा कमाया पर वो खेल रहे हैं तो इसलिए उनका बड़ा पैसा कमाने के बावजूद इस बात का डर बरकरार है कि वो कभी भी जीरो कर सकते हैं अब क्योंकि जब मैं मान लो उनसे तीन साल पहले मिला वो उस समय प्लस थे पर जुआ खेल रहे थे तो मुझे क्या मालूम अब तक वो दुगना तीन गुना हार चुके हो मुझे तो नहीं पता इसलिए मैं कभी भी पॉजिटिव स्टोरी शेयर नहीं करता हाँ अगर कोई आदमी यह कहे कि मैंने जुआ छोड़ दिया है मैं अब कभी नहीं खेलता मुझे दो साल को खेले हुआ और मैंने जुए से पचास लाख कमाया तो मैं डेफिनेटली उसकी स्टोरी भी बताऊंगा उसका इंटरव्यू भी छापूंगा सर सीरीज से जैकपॉट नंबर कैसे गैस सीरीज से ज, देखो अगर आपको जैकपॉट नंबर गैस करना है तो मान लो फॉर उदाहरण के तौर पर मान लो कि आपको लगता है कि फाइव सीरीज आएगी और फाइव सीरीज चल रही है और आपने इस आठ दस बारह गेम की हिस्ट्री देखी आपको लगा कि यार ये कलर चल रहा है मतलब या तो ब्लैक कलर या रेड कलर जिकजैक्ट नहीं चल रहा है अब फाइव एट सीरीज में बारह नंबर होते हैं छ ब्लैक और छ रेड अब आपने ये तो गेस कर लिया कि मुझे ये बारह नंबर पर बैट लगानी है अब बारह नंबर पर भी आपने देख लिया कि यार ये रेड मारेगा तो अब आपके पास सिर्फ छह नंबर है बारह पे लगा या बारह में भी छह पे बढ़ा दिया आपने अब उसमें आपने देख लिया कि यार ये सिंगल नंबर मार रहा है तो इसके चांस है कि सिंगल नंबर मारेगा या फर्स्ट डजन में आएगा तो आपके पास ऑप्शन है कि भी आप फाइव को चुन सकते हो और कौन सा होता है उसमें सिंगल नंबर में फाइव एट में फाइव फाइव ही आता है एट ब्लैक है टेन है है ब्लैक उसमें, उसमें आता नहीं है। इलेवन भी ब्लैक है और बारह भी नहीं आता है उसमें हाँ तो फाइव है तो जैसे फाइव पे आप जैकपॉट बना सकते हो अगर आपको लगता है कि बीच

तो आपका आया गया सब इतना ज्यादा आ जाए कि भी आपने गेम बंद कर उसको बोलते जैकपॉट अगर जैकपॉट नंबर आने के बाद भी आपको फायदा नहीं हो रहा है बराबर में खेल रहे हो तो उसको जैकपॉट नंबर नहीं बोलेंगे एक नंबर तो ऐसा हो जो आपके खेलने के तरीके से कई गुना आगे का हो अगर वो नंबर आ गया तो इतना गुना मिलेगा सर आप दिल्ली से कब गोवा गए मैं मिलना चाहता हूं आपसे मुझे तो तीन साल हो गए दिल्ली से गोवा आए मैं तीन साल से गोवा में रहता हूँ एंट्री पे जीएसटी लगेगा हाँ जो रूल है इस पर तो एंट्री पर ही जीएसटी लगेगा हवा सिंह सर मैं मैंने भी गैमलिंग में बहुत कुछ दिया है लेकिन अब मैंने अब मैं महीने में एक दो बार प्ले करता हूँ बहुत अच्छी बात है वो भी बंद कर दो सर मैं रूलेट में ऑनलाइन पचास हजार का लॉस हुआ है क्या रिकवर करने का कोई तरीका है बट लॉस हो रहा है अगर आप रिकवर करने जाओगे तो आप और ज्यादा पैसा हार जाओगे सर ट्रैवल एंड नॉलेज पे आपका एक पुराना वीडियो है राम सेतु वाला उसमें आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने को बोले हाँ बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है मैंने दो में चैनल बनाया था जनवरी में और उसमें मैं कभी कभी वीडियो डालता था तो शुरू शुरू में जो पड़े होंगे पचास सौ वीडियो उनमें जरूर बोला होगा क्योंकि उस समय मेरे को लगता था मैं यूट्यूबर बन रहा हूं पर पिछले तीन साल के अंदर या ढाई साल के अंदर पिछले ढाई साल के अंदर मैंने मेरे टोटल 1800 वीडियो है ट्रैवल एंड नॉलेज पर 1800 वीडियो में मैंने कम से कम 1400 से 1500 वीडियो पिछले दो ढाई साल के अंदर डाले हैं उनमें से एक वीडियो में भी नहीं बोला आप बात कर रहे हो 2018 की वो जो राम सेतु वाला वीडियो वो तो मैं गया दो हजार में था अब आप 2018 के वीडियो को निकाल करके 2000 वीडियो के अगेंस्ट लाके खड़ा कर रहे हो तो फिर ये तो अब आप देखो कि आप क्या कह रहे हो आप ये कह रहे हो कि आपके 2000 वीडियो में जिसमें आपने नहीं बोला वो उससे हमें मतलब नहीं आपने पिछले तीन साल से नहीं बोला उससे हमें मतलब नहीं आपने चार साल पहले पांच साल पहले बोला था उससे हमें मतलब है तो आप जज कर लो बोल दो कि भी मैं झूठा हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे सर आप अभी रूलेट पे कितने प्लस हो? बस वो अमाउंट में मैं नहीं बता सकता कि मैं कितना प्लस हूँ हेलो सर मैं बार बार क्यों हार जाता हूँ बहुत जीत जाता हूँ पर हाँ वो आपके दिमाग का लालच है ना दिमाग आपको गलत मैसेज देता है डी के महल का मैं ट्रेवल एंड नॉलेज पे लाइव नहीं आ पाया था मैं ट्रेवल एंड नॉलेज पे लाइव नहीं आ पाया था संदीप महेश्वरी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नकार उस दिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा मैंने उसे रियल होते देखा है आपका क्या कहना है इन मोटिवेशनल स्पीकर बॉस मैम मैं देखो इंडिविजुअल तो किसी के बारे में नहीं मैं बात करूंगा पर मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ ये लोग मिसगाइड करते हैं दुनिया को ये गधे घोड़े हाथी कुत्ता बिल्ली सबको बोलते हैं यस यू कैन डू इट सबको बोलते हैं कि हाँ आप अचीव कर सकते हो हाँ आप पेड़ पे चढ़ सकते हो तो और ये अपना उल्लू सीधा करते हैं कोई बैकडोर से करता है कोई डायरेक्टली करता है पर ये सब लोगों को बिफकूफ बना रहे हैं हर आदमी अकेला पैदा हुआ है अकेला मरा है हर आदमी की परिस्थितियां अकेली है अलग अलग है मैं जिस तरीके से जो जिंदगी जी रहा हूं जरूरी नहीं कि आप भी उसी तरीके से जी पाओ क्योंकि आपकी परिस्थितियां अलग है आप अलग पैदा हुए आपकी सोच अलग है आपका सरकमस्टांसेस अलग है ये क्या करते हैं गधे घोड़े एक एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें सौ पचास लोगों को बिठाएंगे सबको एक ही बात बोल डालेंगे हर चीज नैतिकता हो स्ट्रेटेजी हो लाइफ हो सबका इंडिविजुअल होता है ये कोई सामूहिक नहीं होता है सबको सूती कपड़े अच्छे लगेंगे ऐसा जरूरी नहीं है सबको जुआ ही अच्छा लगेगा ये भी जरूरी नहीं है सारी दुनिया थोड़ी जुआ खेलती है ये सारी दुनिया थोड़ी रिक्शा चलाती है सबकी अपने अलग अलग प्रोफेशंस है अपनी अपनी चॉइस है ये सबको एक सांचे में डाल देते हैं क्योंकि इनको फायदा हो रहा है ना तो मैं मोटिवेशन स्पीकर के खिलाफ हूं और मैं चाहता हूं कि हर आदमी सेल्फ मोटिवेशन पे बिलीव करे सेल्फ मोटिवेशन मतलब कि जब कभी आप मायूस हो तो आप खुद अपने आप को मोटिवेट करो जिस दिन आपने ये टेक्निक सीख ली आपको ना मेरी ना किसी ये मोटिवेशनल स्पीकर या और ये जो गुरु महात्मा संत किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अपनी गलतियों से सबक सीखोगे मायूस हो गए फिर खुद ही आत्मविश्लेषण करोगे और खुद ही मोटिवेट हो जाओगे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब चीजों की सर मैंने कसिनो में तीन लाख जीत गया था बट एक लाख विड्रॉल करा पाया दो लाख फिर हार गया ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बॉस पी के आओ सोविक बासु कह रहे हैं बॉस पी के आओ पी के आओ या पाइक आओ पी के आओ क्या पी के आओ ये भी तो बता दो राकेश भाई में बार बार काल्पनिक विचार आते हैं रहते हैं मैं इतना पैसा कमाया मैंने ये किया मेरी सब तारीफ कर रहे हैं कुछ भी काल्पनिक सोचना इससे कैसे खत्म करूं ये ना जब आदमी थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जिंदगी जी रहा होता है ना तब तो वो कल्पनाओं पे जीता है बहुत साल पहले मैंने एक बिजनेस बिजनेस किया था 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 उस उस में मेरे को बहुत लॉस लॉस हुआ समय के हिसाब से वो बड़ा था। तो मैं भी काल्पनिक जिंदगी जीता मैं काल्पनिक सोच रखता था अरे मतलब रात को जब सो रहा हूँ तो नींद तो आ नहीं रही टेंशन की वजह से तो रात को मैं कल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते तीन चार बजे तक तो मैं पता नहीं कितना बड़ा करोड़पति बना होता था और दुनिया में मेरी वाहवाही हो रही होती थी और ये रोज का ड्रामा था मेरा इसी को अगर मैं कंट्रोल नहीं करता तो मैं मतलब जैसे कहते हैं ना डिप्रेशन या परेशान हो जाना उस तरीके में लाइफ जीने लग जाता पर मैंने अपने आप को इसमें काफी कंट्रोल किया सुधारा सर आप बहुत अच्छी बातें करते हो सर आपको यूट्यूबर यूट्यूब पर होना चाहिए सर आपको तो यूट्यूब पर होना चाहिए यूट्यूब पर ही तो हूं वहीं तो आप देख रहे हो मुझे यूट्यूब पर हूं यूट्यूबर नहीं होना चाहिए यूट्यूबर अलग चीज होती है यूट्यूबर एक पेशा है कि जी यूट्यूब पर आए हैं तो रोटी कमानी है पैसा कमाना है तो सबसे पहले हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है आपके कैसा महसूस कर रहे बहुत हो बहुत बढ़िया हो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो और जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें चाचा मामा ताऊ को शेयर कर दें ये होते हैं यूट्यूबर ये होते हैं यूट्यूबर थोड़ा और चेंज कर दो तो दोस्तों देखो मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है मेरे को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और आजकल तो और भी ज़्यादा आपने शॉर्ट वीडियो वगैरह रील देखी होगी उसमें तो वो बोलते हैं कि अगर आपको अपनी माँ से प्यार है तो सब्सक्राइब कर दो अगर आपको भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो ये सब ये होते हैं यूट्यूबर कोई मेरी तरह यूट्यूबर थोड़ी होते हैं कि जो मुँह फटो सब्सक्राइबर से ही बदतमीजी से बात करते हो कभी किसी को ना कहते हो सब्सक्राइब करो मैं तो कई बार ये तक बोलता हूँ कि बाहर तो में जाए सब्सक्राइबर क्योंकि सब्सक्राइबर की वैल्यू नहीं है ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं इस कमेंट की वैल्यू है क्योंकि ये एक जिंदा आदमी कहीं दूर बैठ करके मुझे कमेंट कर रहा है तो उस कमेंट की वैल्यू है सब्सक्राइबर की मैं वैल्यू कैसे कर सकता हूँ कल को कोई टेररिस्ट मेरा सब्सक्राइबर बन गया तो मैं क्या उसको भी थैंक यू बोलूंगा कल को कोई रेपिस्ट सब्सक्राइब कर देता है कोई क्रिमिनल सब्सक्राइब कर देता है तो मैं उसको भी बोलूँ थैंक यू फॉर सब्सक्राइब मी ये जो कमेंट कर रहे हैं इनकी भाषा से लगता है कि हाँ बंदे अच्छे हैं समझदार हैं तो ये वैल्यू करता है हर महीने 25-30 लोग मुझसे मिलने आते हैं गोवा में वो वैल्यू करता है सब्सक्राइब अब इस चैनल पर अठारह हजार सब लोगों ने सब्सक्राइब किया सबको मैं जाकर के हाथ जोड़ करके पैर चू, दो, क्या पैर छूता फिर उनके उसमें से कितने बेईमान होंगे कितने मक्कार होंगे कितने झूठे होंगे फरेबी होंगे कहा था कमेंट कमेंट ही छूट गया कौन से कमेंट कम रिप्लाई कर रहे थे आपको यूट्यूब पर होना चाहिए अब्दुल सत्तार हाय सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कौन सा भी गेम उसको जीतने के लिए पैसा बहुत चाहिए वो भी बिंगो किसी तरह किसी डर का जैसा रिटर्न करने वाला नहीं हाँ लोग उधार लेके खेल रहे हैं ब्याज पर लेके खेल रहे हैं तो पक्का ही हारते हैं और मैं जब जब काल्पनिक विचार किसी चीज को लेकर सच्चाई हाँ, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहते हैं ऐसे बार बार काल्पनिक सोचने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट चीज है सर आप अभी आप टोटल गैमलिंग में कितना प्रॉफिट या लॉस में हो बस प्रॉफिट में हूँ पर कितना हूँ ये नहीं मैं बता सकता वो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लो कोई कम लगाएगा कोई ज्यादा लगाएगा कुछ चीजें बताना ठीक नहीं रहता एज एथिक्स भी सही नहीं है इमरान पठान गुड इवनिंग बोमन हाली सर आई एम श्रीकांत फ्रॉम बेंगलोर प्लीज टेल अबाउट क्रिकेट बैटिंग ICC क्रिकेट हाँ जल्दी ही इसके ऊपर मैं डिटेल बताऊंगा अभी नहीं बता सकता पर जल्दी ही मैं बताऊंगा सर स्टेटिस्टिक के बारे में क्या सोच रखते हो वो आपको थोड़ा सा हिंट देती है ऐसा नहीं कि जो वो वहाँ पर वो एनालिटिक्स जो देते हैं आपको उसमें वो बिल्कुल काम नहीं करती है वो हिंट देती है कि भी कोई नंबर कितनी बार नहीं आया है हॉट नंबर कौन से हैं कोल्ड नंबर कौन से हैं हाँ पर लोग उससे बेवकू भी बन जाते हैं उनको लगता है कि जो कोल्ड नंबर है उन पर पैसा लगा दो क्योंकि अब ये हॉट होने वाले हैं अरे वो डेड नंबर है वो सौ बार सौ सौ बार नहीं आते है सर रूलेट में कुछ पैटर्न बताइए जिससे तीन तेरह तेईस तैतीस ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न हैं पांच का पैटर्न चलेगा रेड का चलेगा तो बीच में पांच चौदह तेईस बत्तीस आ जाएगा ऐसे बहुत सारे पैटर्न बनते हैं मजाक मजाक था भाई मजाक भाई तू ग्रेट है सद जाट में सर्वाइव करूंगा करंग, अकल बड़ी की भैंस क्या कमेंट है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई तू ग्रेट है मैं सरवाइव करूंगा अकल बड़ी की भैंस देख लो कभी कभी भैंस भी बड़ी होती है ये तो हर आदमी की अपनी वो है अब्दुल सत्तार सर मेरे पहले वाले पे आप कमेंट नहीं दिए अब्दुल सत्तार जी मैंने आपका एक तो ये कमेंट पढ़ा इससे पहले कौन सा कमेंट आया है आपका इससे पहले मेरे को कोई कमेंट नहीं दिख रहा वो कई बार कमेंट आते नहीं है इंटरनेट के वो स्लो होने की वजह से या किसी भी वजह से ये वाला मैंने अभी पढ़ाई था आपका कमेंट आए सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और विकास कुमार सर हर हर बार बीस नंबर में पैसा लगाया बट नंबर एक ही होता है ऐसा करना सही है नहीं ऐसा करना सही नहीं है ऐसा करना कभी कभी आपको जितवा सकता है पर हर बार ये तरीका सही नहीं है बुर्ज खलीफा जाना है आइए तो मेरे कंपाउंड में रोज़ शाम को मैं जब जाता हूँ खाना वाना खाने तो बुर्ज खलीफा के कंपाउंड में ही सही जाना पड़ता है मतलब वहीं है रेस्टोरेंट वग़ैरह शाम को डेली सात बजे वहां है हर आधे घंटे बाद पांच मिनट के लिए बिल्डिंग के ऊपर लेजर शो होगा और नीचे वो काफी सारे फाउंटेन है वो चलेंगे नहीं रूलेट में ट्रिक्स चलती है मैं एक्चुअली मैं मगर देखो मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं इसको गेम ऑफ स्किल मानता हूँ हालांकि बहुत सारे लोग इसको गेम ऑफ चांस मानते हैं मैं गेम ऑफ स्किल मानता हूँ कि इसमें पैटर्न होते हैं कब कौन सा पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से अगर आपने समझ के चला तो आप उसमें जरूर आपका पैसा बढ़ेगा और कितना बढ़ने पर रुकना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है डजन और कलर लगा के प्ले करते हो तो आप सोचोगे डजन के बारह नंबर और कलर के अट्ठारह नंबर और इसमें से छ नंबर कम कर दो अठारह और बारह कितने हो गए तीस नंबर तीस में से छह कम कर देते हैं क्योंकि नंबर आपके डजन के अंदर आ जाएंगे कोई भी कलर आप चुनोगे तो तीस में से के चौबिस। चौबिस नंबर कवर कर रहे हो आप सैतीस में से तो ये प्रॉफिटेबल गेम है ही नहीं जब जब दोनों हिट करेगा आपको लगेगा पैसा आ गया पर वो इतना ज्यादा नहीं आएगा कि आपके कई गेम का रिटर्न दे जाए आप समझे अगर आपने कलर चुना है तो कलर अट्ठारह होते हैं और आपने डजन चुना डजन बारह होते हैं तो बारह और अट्ठारह तीस और डजन के अंदर छ कलर होते हैं मतलब छह रेड और छह ब्लैक तो उसमें से आपने कोई एक कलर चुना होगा तो वो कम कर लो तो वो कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है 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 तरीका नहीं है। 80 टू 85 रहता। तो फिर अच्छी बात है देखो अगर आपके लिए कोई चीज काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है देखो मैं सिंपल बोलता हूँ कि जिसका जो तरीका काम कर रहा है उसको वो अपनाना चाहिए दूसरे का नहीं सुनना चाहिए तो चलो दोस्तों यहाँ पर इस समय छः बजकर सत्रह मिनट हो रहे हैं और मेरा खाना खाने का टाइम हो गया क्योंकि मैं रात को डिनर नहीं करता हूँ तो मैंने आज लंच भी नहीं किया मैं जा रहा हूँ नीचे खाना खाने ट्वेंटी फिफ्थ फ्लोर पे हूँ मैं इस समय तो आज लाइव होने का मैंने ऐसे ही मन बनाया तो चलो उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा ही डिस्कशन हुआ होगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ओके गुड बाय थैंक यू पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जुआ छोड़ दो इसको जिन लोगों का पैसा इसमें माइनस हुआ है ये मत सोचो कि कैसे वो पैसा आएगा ये सोचो कि वो पैसा लाने के चक्कर में कितना और पैसा चले जाएगा प्लस बात यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की नहीं है ये आपके रिश्ते ख़राब करता है ये आपके दिमाग की बहुत सारी एनर्जी ले जाता है आप दुनियादारी से कट जाते हो या आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा ये एक माइंड ट्रैप है इसको ट्रिक और स्ट्रेटेजी से नहीं जीता जा सकता तो मेरा एक सिंपल सा सजेशन है आपको सुझाव है कि आपको जुआ छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप जीत भी रहे हो तो इस बात का डर हमेशा बरकरार रहेगा कि आप एक दिन हार जाओगे वहाँ इंडिया में इस वक्त सात बजकर सैंतालीस मिनट हुए होंगे पर यहाँ पर इस समय छः बजकर अट्ठारह मिनट हुए, 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 हुए हैं और डेढ़ घंटे का डिफरेंस है दुबई में और इंडिया में तो, तो कि मैं पहली बार मिडल ईस्ट में आया हूँ इस तरफ जहाँ पर टाइम पीछे है इंडिया से अभी तक मैं जितनी भी कंट्री गया हूँ वहाँ पर टाइम आगे था जैसे मैं लाउस गया थाईलैंड गया मलेशिया गया सिंगापुर गया फिलीपींस गया ये सब जगह पर टाइम जोन आगे था इवन नेपाल में भी आधा घंटा आगे है श्रीलंका गया पर इधर जहाँ पर टाइम पीछे है वहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर गर्मी बहुत है मतलब बहुत उमस रहती है और जिन लोगों का को अगर कोई कमेंट छूट गया हो तो वो किसी अगले लाइव में पूछ लेना इंटेंशनली मैंने किसी का कमेंट नहीं छोड़ा है और मल्टीपल करते हो विशाल जायसवाल प्रॉफिट होता है पर मल्टीपल हर बार नहीं करना है मल्टीपल वो मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि आपको कब पैसा मल्टीपल करना है और कितनी बार करना है अगर आप हर बार करोगे तो मुनाफाखोरी कब करोगे गैमलिंग की दुनिया में जिसने मुनाफाखोरी नहीं की उसका कुछ नहीं हो सकता

Uh, तो जैकपॉट नंबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको खिलना आना चाहिए चलो uh, सुस्ती भी आ रही काफी क्योंकि मैं अभी स्विमिंग करके आया था उसके बाद आंखें एकदम लाल हो रही होंगी काफी थका महसूस कर रहा हूँ कल देखते हैं कल क्या करेंगे ओके okay, दोस्तों गुड बाय थैंक यू खैर स्वीट ड्रीम फिर मिलेंगे दस विदानियां और जुआ छोड़ दो यही एक मेरा फाइनल रूल है बाकी आपकी मर्जी ओके गुड बाय